हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं सूखा तिवरा भाजी और उसे हम बनाएंगे बेर के साथ। तो आज हम बेर की सब्जी बना रहे हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 गिलास के लगभग पानी लिया है और इसमें मैंने तिवरा की दाल को डाल दिया है। तिवरा की दाल, जिसे लाकड़ी की दाल बोलते हैं, ये जो भाजी होता है तिवरा भाजी, उसी का फल होता है जिसे तिवरा दाल बनता है। और ये देखिए, यह है सूखे हुए बेर और यह तिवरा भाजी जिसे सुखा कर हमने स्टोर करके रखा हुआ है। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर सभी बेर को पहले आप चेक कर लीजिए, कोई खराब तो नहीं है। सभी को इस टाइप से तोड़ तोड़ कर आपको चेक कर लेना है। अगर खराब है तो आप इसे फेंक दीजिए और अगर जो ठीक है उसे ले लीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है सब्जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, 2 गिलास पानी डालकर मैंने तिवरा की दाल को पकने के लिए रख दिया था। अगर इस दाल की जगह पे आप मसूर की दाल या फिर चना की दाल भी ले सकते हैं। सभी में इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर जितने बेर हमने लिए थे सभी को हमने यहाँ पे डाल देते। बेर को पहले मैंने धो लिया था, धुला हुआ बेर था, आपने धोए तो धोकर इसे डाल दीजिए। और ये देखिए, जब इसमें अच्छे से उबाल आने लग जाए तो हमारा बेल जो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और दाल भी हल्का सा पक जाता है। तब यहाँ पर 1 कप के करीब, एक छोटा कप के करीब मैंने यहाँ पे जो तिवरा भाजी होता है सूखा वाला, उसे डाला है। और ये देखिए दोस्तों, इसे पकने दीजिए। भाजी को पकने में बहुत जल्दी पक जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी हम सूखा चना भाजी हो चाहे तिवरा भाजी, कोई भी भाजी को बनाते बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है पक रहा है, इसलिए हमने 2 गिलास पानी डाला था, क्योंकि इसे थोड़ा सा ज्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पकता है। और जब ये भाजी जो है सूखा हुआ रहता है तो एकदम कम लगता है, लेकिन जब पक जाता है ना तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ गया है। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच के लगभग सूखा टमाटर का पाउडर है, ये भी मैंने होममेड बनाया है, उसे डाल दिया है। अगर आपके पास सूखा टमाटर नहीं है तो लाल टमाटर जो है, हरा कच्चा टमाटर, उसे आप काट कर डाल सकते हैं 1 या 2, और उसके बाद इसे पकने दीजिए। जब पानी उसका सूख जाएगा तो गैस को बंद करके उसे अलग कर लीजिए भाजी को। अब यहाँ पर हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, लहसुन और मिर्ची डाल दीजिए, और ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो हमने जो भाजी जो पका के रखा है उसे डाल देंगे। कोई भी भाजी में लहसुन मिर्च का तड़का है ना, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए, भाजी हमने डाल दिया है और इसे थोड़ी देर अब हम पकाएंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो देख सकते सब्जी कितना जल्दी बन गया है, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। गाँव में तो जब भी तिवरा भाजी का सीजन होता है, जब कच्चा जब मिलता है तो उसे बनाकर, मतलब सुखा कर स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, और इस टाइप से गर्मियों में इसका आनंद लेते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बस पानी को सूखते तक आपको इसे पका लेना है और गैस को बंद कर देना। जब देखिए पानी पूरा सूख चुका है, गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप इसे दाल चावल के साथ खाइए या फिर चावल के साथ बस भाजी भात खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।